हेलो दोस्तों, अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्ज़ी। आप सोच रहे होंगे सोयाबीन की सब्ज़ी इसमें ऐसा क्या खास है? है, इसे हम आज कुछ नए तरीके से बनाएंगे। इसे हम कुछ एक अलग अंदाज से बनाएंगे और बहुत ही झटपट तरीके से भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोयाबीन बनाना। इसके लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल लेके पहले हम सबको फ्राई कर लेंगे। फ्राई इन द सेंस थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। तो चलिए, ये मैंने छोटे वाले सोया चंक्स लिए हैं। आप चाहे तो नॉर्मल सोयाबीन की बड़ी भी ले सकते हैं, दोनों का टेस्ट सेम आता है। बस मुझे ये छोटे चंक्स ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, हो सकता है आपको ही पसंद आए। सो इन्हें फ्राई कर लिया हमने। ये देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब जितनी क्वांटिटी आपने सोयाबीन लिया उस हिसाब से, मैंने करीब 2 कटोरी सोयाबीन लिए हैं, सोयाबीन चंक्स, उस हिसाब से मैंने 2 टमाटर, 3 प्याज, कुछ 4-5 लहसुन और कसूरी मिर्च, और ये हरी मिर्च है, ये सब लिया है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर लीजिएगा। इन सभी चीज़ों में पानी डाल दिया मैंने, सबको बड़ा बड़ा काटा है, सब में पानी डाल दिया है। अब साथ में ही मैं यहाँ पर सोयाबीन भी डालूँगी इसी ही पानी में। हाँ, इस मिक्सचर में अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज, टमाटर सब कुछ है। ये देखिए, इतना पानी आपको डालना है कि सब कुछ अच्छे से डूब जाए। अब सोयाबीन भी इसमें ऐड कर दीजिए और बढ़िया से एक अच्छा बॉयल आने दीजिए ताकि सोयाबीन और ये सारी चीज़ें एक साथ पक जाए। अब इस तरीके से बनाने में क्या बेनिफिट है? पहला, ये जल्दी बन जाएगा, और दूसरा, जो सारे फ्लेवर हैं उबलते समय ही सोयाबीन के अंदर चले जाएंगे, टमाटर का, प्याज का, मिर्च का, अदरक लहसुन सबके फ्लेवर। तो चलिए, हमारी सोयाबीन रेडी है, अब सबको निकाल के छान लेते हैं। यहाँ पर मैंने मसाले अलग कर लिए हैं और सोयाबीन को अलग कर लिया है। अब ये जो हमारा मसाला रेडी हुआ, ये देखिए, ये सब कुछ बढ़िया से बॉयल हो गया है। अब ये जो रेडी मसाला है हमारा, इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे, पर ठंडा करके, गर्मा गर्म मत पीसिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। देन अब ये हमने ठंडा कर लिया है मिक्सचर, अब हम इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेके आप जीरा तड़का लीजिए, और उस जीरे में हम इस मिक्सचर को पकाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा प्याज ऐड कर सकते हैं, इट्स जस्ट ऑप्शनल, मैंने नहीं किया है ना, ज़रूरी नहीं है, पर कभी कभी अगर ऐसे आप चाहें तो इसमें प्याज यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा जीरा हो गया, हम यहाँ पर अब मसाला डाल लेते हैं। अब इसे अच्छे से कम 5 से 7 मिनट हम कुक कर लेंगे, जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए इस पूरे मिक्सचर से। ये देखिए, ऑयल अब सेपरेट होने लगा है। लगातार इसे चलाते रहिएगा, ये नीचे से चिपक सकता है, क्योंकि बॉइल्ड है तो ज़्यादा चिपकता है ये। कंटिन्यूस अब चलाते रहिएगा थोड़े थोड़े देर में। ये देखिए, ऑयल काफ़ी कुछ सेपरेट हो चुका है। जैसे ही ऑयल आपको सेपरेट होता दिखिए, आप बाकी मसाले भी इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी, और थोड़ा सा अगर चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड किया है, आप अपने पसंद की लाल मिर्च अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप और भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ मिक्सचर में हरी मिर्च भी पीसी थी, इसलिए मैं अब यहाँ पर ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। चलिए, अब पूरे मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए पकाते हैं 2 मिनट। ये देखिए, बढ़िया से ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला भी हमारा अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें अपनी सब्जी के हिसाब से आप पानी ऐड कीजिए, और पानी ऐड करने के बाद इसे थोड़ा खौला लीजिएगा। मैं जब मिक्सचर को उबाल रही थी, सोयाबीन और सारी सब्जियों के मिक्सचर को, तब भी मैंने नमक डाला था, और यहाँ पर भी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग जितना आपको लगे आप नमक ऐड कर सकते हैं। अब ये हमारा अच्छे से मसाला रेडी हो गया, इसमें हम बॉयल सोयाबीन डाल देंगे। हमारी सोयाबीन ऑलरेडी पकी हुई है, तो हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है इसे, बस इसे मसालों के साथ थोड़ा पकाना है। तो मसालों के साथ ही इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने दीजिएगा, तो जो मसाले हैं वो पूरे अंदर तक चले जाएंगे इसमें।
सो रेडी है हमारा नए तरीके से बना सोयाबीन का सब्जी। ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगी थी। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।